कहते हैं प्यार मरता नहीं, और सुना है तुमने तो ऐसा प्यार किया कि कोई प्यार करने वाला ही उसे समझ सकता है। वो छोड़ के चली गई तुम्हें अपनी दुनिया में, लेकिन वो चाहे किसी भी दुनिया में हो, कभी तो मिलोगे तुम उससे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कयामत फिल्म से जुड़े कुछ अनसुने फैक्ट्स के बारे में, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के साथ बने रहें। ये फिल्म सन 1996 में आई हॉलीवुड फिल्म द रॉक की हिंदी रीमेक थी। इस फिल्म के साथ साथ अजय देवगन भूत फिल्म की शूटिंग भी कर रहे थे, इसलिए अजय देवगन भूत और कयामत फिल्म में एक ही लुक में नजर आए थे। संजय कपूर से पहले उनका रोल बॉबी देओल को ऑफर हुआ था, लेकिन उन्होंने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया था क्योंकि वो इस फिल्म में नेगेटिव रोल नहीं करना चाहते थे। फिर इसके बाद संजय कपूर को इस फिल्म में साइन किया गया था। ये फिल्म चंकी पांडे की कमबैक फिल्म थी, उनकी आखिरी फिल्म कसम थी, जो कई साल डिले होने के बाद सन 2001 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में रवीना टंडन का भी बड़ा रोल होने वाला था, लेकिन फिल्म को छोटा करने के कारण बाद में उनके सीन को फिल्म से हटा दिया गया था, जिसके बाद रवीना टंडन ने इस फिल्म में बस कैमियो रोल प्ले किया था। ये फिल्म अजय देवगन और अरबाज खान की साथ में पहली और एकमात्र फिल्म थी। सुनील शेट्टी से पहले उनका रोल अक्षय कुमार को ऑफर हुआ था, लेकिन डेट ना होने के कारण उन्होंने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया था। फिर इसके बाद सुनील शेट्टी को इस फिल्म में साइन किया गया था। ये फिल्म अजय देवगन और सुनील शेट्टी की डायरेक्टर हैरी बवेजा के साथ में दूसरी फिल्म थी। इससे पहले दोनों साथ में दिलवाले फिल्म में नजर आए थे, जो सन 1994 में रिलीज हुई थी।